दोस्तों भारतीय टीम का आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में विजयी अभियान जारी है। धाकड़ ओपनर रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने अपने अभी तक के सभी 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और पॉइंट टेबल में टॉप पर है। अब इनका सामना 29 अक्टूबर को इंग्लैंड से होना है। इस बीच टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की चोट पर बड़ा अपडेट सामने आया है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप के मैच के दौरान चोट लग गई थी। गेंद को रोकने का प्रयास करते समय उनके बाएं घुटना मुड़ गया था, जिसके कारण वह मैदान छोड़कर तुरंत चले गए। इस घटना ने चोट की गंभीरता के बारे में फैंस के मन में चिंता पैदा कर दी थी। खेल के दौरान पांड्या का स्कैन हुआ और बाद में उन्हें लंदन के एक स्पेशल डॉक्टर की देखरेख में बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ले जाया गया। चोट के कारण वह न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला नहीं खेल पाए, लेकिन लंबे समय तक मैदान से दूर रहने की आशंकाओं के बावजूद अब रिपोर्ट से पता चला है कि हार्दिक पांड्या की चोट वास्तव में केवल मोच है और उन्हें कुछ भी गंभीर चोट नहीं आई है। टीम मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या की रिकवरी पर नजर रखे हुए है। वह जैसे ही फिट होते हैं उन्हें टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि बीसीसीआई ने अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि उनको आराम दिया जाएगा और कप्तान रोहित शर्मा इस चीज के लिए कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। टीम में वैसे भी मोहम्मद शामी, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के मौजूदा टूर्नामेंट में हालत को देखते हुए भारतीय टीम मैनेजमेंट कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो दोस्तों अपनी राय जरूर दें कि इंडिया की टीम इंग्लैंड की टीम से आसानी से जीत जाएगी या नहीं। इसी तरह की स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब